नमस्कार हॅलो सह्याद्री कार्यक्रमात सर्व रसिक प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत आहे उचललेस तू मीठ मुठभर साम्राज्याचा खचला पाया अहिंसा सत्याग्रह थोर अशा राष्ट्रभक्तांचं बलिदान यामध्ये इतकी ताकद होती की ब्रिटिशांचा जो जुलमी जो राज्यकारभार होता जे साम्राज्य होतं त्याचा पाया पार खचला आणि पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस या दिवशी आपला भारत देश स्वतंत्र झाला तमाम भारतीयांना स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप मनापासून शुभेच्छा गे मायभू तुझे मी फेडी न पांग सारे आणि न आरतीला हे सूर्यचंद्र तारे या मायभूचे पांग खऱ्या अर्थाने फेडले स्वातंत्र्य सैनिकांनी वीर क्रांतिकारकांनी वीर जवानांनी थोर अशा देशभक्तांनी आज त्यांचं मनापासून स्मरण करूया त्यांना हृदयापासून वंदन करूया आज आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतो आहोत घराघरात तिरंगा फडकतो आहे मनामना तिरंगा फडकतो आहे देशभक्तीचं वातावरण कणाकणात आहे खरंच हा क्षण आनंदाचा आहे भाग्याचा आहे उत्साहाचा आहे आणि हो गतस्मृतींना उजाळा देण्याचा ते आहे तेव्हा आजच्या कार्यक्रमातनं हाच उजाळा आपण देऊया आजच्या कार्यक्रमाचा विषय लक्षात घ्या प्रेक्षक हो स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव हा आजच्या कार्यक्रमाचा विषय आहे आणि दोन महत्त्वाचे व्यक्तिमत्व आज या ठिकाणी आले आहेत आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर उषा ठक्कर मानत या ठिकाणी अध्यक्ष आहेत त्या मणिभवन विश्वस्त गांधी संग्रहालय तसंच एस एन टी टी युनिव्हर्सिटी हेड ऑफ डिपार्टमेंट राजनितीशास्त्र या ठिकाणी त्या प्रोफेसरही होत्या आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट गांधी स्कॉलर म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांची ओळख आहे अध्यक्षा विश्वस्त मणिभवन गांधी संग्रहालय आपलं मनपूर्वक कार्यक्रमात स्वागत आहे आणि आपल्याला स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप खुँ शुभेच्छा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस पर हमारी तरफ से भी आप सबको बहुत वधाई और आझादी के अमृत महोत्सव पर हमारी बहुत शुभकामनाएं और दूरदर्शन का बहुत धन्यवाद की हम दोनों को आपने इस कार्यक्रम के लिए बुलाया धन्यवाद तसंच आपल्यासोबत आहेत योगेश कामदार मानद सचिव विश्वस्त मणिभवन गांधी संग्रहालय भारतीय विद्याभवन डायरेक्टर आहेत आणि आई वडील दोघंही स्वातंत्र्य सैनिक होते आणि दोघांनीही तुरुंगवास भोगला आहे म्हणजे अशा वातावरणातनं योगेश श्री कामदार हे वाढलेले आहेत आपल्याही कार्यक्रमात खूप मनापासून स्वागत आहे आणि आपल्याला हे स्वातंत्र्य दिनाच्या चर्चेला सुरुवात करूया स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण साजरा करतो आहोत आपण थोडं इतिहासाची पानं उलटूया काय सांगाल नेमकं तेव्हाचं स्वातंत्र्यपूर्वीचं वातावरण कसं होतं काय सांगाल मॅडम स्वातंत्र्यपूर्व के समय की बात करें तो सबसे पहले बता दूं की उस समय में बडे होने का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला लेकिन मैंने सौभाग्य पाया स्वतंत्र सेनानियों से मिलने का उनसे बात करने का और ख़ास करके जो मेरी प्रोफेसर रही डॉक्टर ऊषाबेन मेहता वो अक्सर कहा करती थी उषा तुम हमारे जितने सदभागी नहीं हो तुमने उस समय में जन्म नहीं लिया और मैं हमेशा कहती थी कि हम सदभागी हैं कि आपके जैसे स्वतंत्र सेनानी हमारे सामने हैं और इन लोगों से जब भी हमने बात की उषा बहन से या बहन से या अन्य स्वतंत्र सेनानियों से कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने देश के लिए ये किया या हमने इतने पराक्रम किए या हमने इतने दुख सहे वे हमेशा कहते रहे हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था जो हमें उचित लगा और एक बात आज समझ में आती है कि जब उन्होंने इतने बलिदान दिए तब तो उन्हें ये भी पता नहीं था कि उनके जीवन समय में आज़ादी मिलेगी या नहीं मिलेगी तो यह उन्हीं की देन है उन्हीं का बलिदान है कि जिसके फलस्वरूप हम आज अपनी आज़ादी का यह पर्व मना रहे हैं और आपने उचित ढंग से सबको अंजलि दी है मेरे मन में और एक बात याद आती है माखनलाल चतुर्वेदी कवि की कुछ पंक्तियाँ जो उषा बहन के भी बहुत प्रिय पंक्तियाँ थीं और मैं जब भी पूछती थी कि आपके मन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें भी कुछ प्रसिद्धि मिल जाए इसी बहाने तो वे कहा करती थी कि नहीं वो तो एक फूल की चाह है फूल की चाह क्या होती है मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक तो यह बलिदान की भावना इतनी उत्कृष्ट थी और यह हमारा सद्भाग्य है कि हम आज उनको याद करते हुए अंजलि देते हुए हम बैठे हैं आज स्वतंत्रता दिवस है तर आज का दिवसी काय मनाते थे योगेश जी आपका क्या संगल आज लोगों में जो उत्साह है अब घर घर पे तिरंगा लहरा रहा है छोटे बड़े सब उतनी शान से आज़ादी का गुणगान कर रहे हैं आज़ादी का जश्न मना रहे हैं तो इससे एक दिल भर जाता है और ये चीज़ें हमें याद दिलाती है कि हम इतना बड़ा महान देश बने उसके पीछे कितने लोगों का बलिदान लगा और जैसे उषा बेन ने अभी बताया उषा बेन मेहता से मेरा भी बहुत अच्छा परिचय और ताल्लुक रहा और उनका एक दूसरा फेवरेट था वो कहते थे आप लोग तो मेरा जन्म तो आज़ादी के बाद हुआ है तो वो कहती थी कि ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव एंड टू बी यंग वॉज हैवन तो अब उनका जो कहना था वो अभी याद करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हुँ। उस टाइम का समय क्या था और आज जिस हिसाब से लोग उत्साह से मना रहे हैं बहुत तुझे बहुतेक नक्कीच आता आपण बघतो की जर मागे आणि आपण डोकावून बघितलं तर जालियनवाला बाग हत्याकांड यानं स्वातंत्र्याची ठेणगी पाडली त्यानंतर काळा कायदा आला अतिशय जुलमी असा हा कायदा होता म्हणजे विना कुठल्याही परवानगीशिवाय किंवा कारणाशिवाय आपल्या भारतीयांना तुरुंगात डांबलं जायचं त्यांना देशद्रोही ठरवलं जायचं आणि जामीनही मिळायचा नाही याच्या विरुद्धचा जो सत्याग्रह कि वह विरुद्ध तो से आंदोलन होता ते फार महत्वपूर्ण होता तो क्या विषय क्या संगे जलियावाला बाग की जो दुखद घटना हुई 1919 उन्नीस में हुई और उसी वर्ष छः अप्रैल को गांधी जी ने अपना राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू किया और वह मुंबई शहर में चौपाटी के तट पर और उन्होंने यह घोषणा की कि रॉलेक्ट कायदा हमारे देशवासियों की स्वतंत्रता पर उनके अधिकारों पर कुठाराघात करता है इसलिए ऐसे कायदे को दूर करना चाहिए इस बात को लगभग सौ साल से भी अधिक साल हो गए उस समय बोलना कितना साहस का काम था इसकी हम आज कल्पना ही कर सकते हैं और एक बात गांधी जी के बारे में बताने को दिल करता है कि गांधी जी के पहले अनेक नेता आए लोगों ने भी अनेक नेताओं के साथ काम किया था उनके नेतृत्व में उनकी आज्ञा का पालन किया था लेकिन जब गांधी जी की बात आई तो उन्हें लगा कि यह कुछ निराला व्यक्ति है इसके पोशाक में कोई दबदबा नहीं है विदेशी पोशाक का यह भाषा भी बोलता है तो अंग्रेजी भाषा का पांडित्य नहीं है यह सीधी भाषा बोलता है और गांधी जी तो दक्षिण अफ्रीका से लौटे ही थे स्वदेशी पोशाक में धोती कोट और पगड़ी तो लोगों को लगा यह हमारा नेता है यह हमारी भाषा बोलता है और इसीलिए गांधी जी के सत्याग्रह को लोगों ने भरपूर साथ दिया और सत्याग्रह तो बात ही कुछ ऐसी है ना कि सत्य का आग्रह तो सत्य अगर ध्येय है तो अहिंसा साधन है और साधन शुद्धि भी उतनी ही आवश्यक है जितने की ध्येय होते नक्की गांधीजी एक फार महत्व की गोष के लिए कि ब्रिटिशां सहकार्य करू नका असहकार असहकारा आंदोलन छेड़ गए तो फार महत्वपूर्ण होता और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दोनों चीज़ें जो हुई उसमें मणि भवन का बहुत बड़ा रोल रहा उषा बेन ने जैसे बताया कि 6 अप्रैल को रावलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया तो वो सत्याग्रह जब गांधी जी ने शुरू किया तो मणि भवन से चल के वो चौपाटी गए और वहाँ से उन्होंने शुरू किया और छः तारीख को ये किया सात तारीख को उन्होंने सत्याग्रही करके एक पैम्फलेट निकाला उसमें लिखा उन्होंने कि ये कानून के विरुद्ध में निकाल रहा हूँ और आप उसका जितना ज़्यादा हो सके प्रचार कीजिए क्योंकि हमको ये कानून को विरोध करना ही है और दूसरी एक चीज़ गांधी जी के बिहेवियर में और उनके वर्तन में थी वो उनका बहुत स्पष्ट किया था कि हमारा अंग्रेजी प्रजा से अंग्रेजों से कोई दुश्मनी नहीं है हमारा विरोध है अंग्रेजी शासन का तो उन्होंने ये जो भेद दिखाए कि अंग्रेज और अंग्रेजी शासन तो उसके कारण जो हिंसा की जो वृत्ति थी वो कम होती गई लोगों नक्कीच आहे म्हणजे गांधीजींचे विचार जे काही होते त्या विचारांचा अहिंसा तुम्ही पाळा आणि प्रेमानं त्यांनी कोणताही हिंसाचार न करता प्रेमानं स्वातंत्र्य मिळवलं आपण याविषयी अजून बोलणारच आहोत पण एका छोट्याशा विश्रांतीनंतर विश्रांतीनंतर आपल्या सगळ्यांचं मी पुन्हा एकदा कार्यक्रमात स्वागत करते स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या विषयावर आपण बोलतो आहोत डॉक्टर उषा ठक्कर आणि योगेश कामदारजी आपल्यासोबत आहे आता थोडा जर बघायला गेलं तर अगदी जीवनावश्यक वस्तू होती मीठ नमक मुडभर त्यांनी उचलला आणि सत्याग्रह सुरू झाला आणि साम्राज्याचा सा पाया ढासळला गदिमांनी फार छान लिहिलं त्याविषयी तर तो सत्याग्रह हा खूप महत्त्वपूर्ण ठरला तर त्याविषयी काय सांगाल मी कहना चाहूंगी की गांधीजी मे या शक्ती थे एक अद्भुत शक्ती थी की व सामान्य को असामान्य बना देते थे साधारण को असाधारण कर देते थे जैसे नमक जैसी छोटी चीज कैसे विरोध का एक प्रतीक हो सकती है और वह ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कैसे हिला सकती है यह बात आज भी हमें आश्चर्यचकित कर देती है लेकिन गांधी जी ने तो किया और गांधी जी ऐसे मनुष्य थे जो दिखने में सामान्य लगते थे लेकिन सामान्य नहीं थे और प्रजा भी इस बात को पूर्ण तरह से जानती थी तो गांधी जी का जो व्याप था उनके कार्यों का उनके साथी सहयोगी कृपलानी जी ने एक वाक्य में बहुत प्रभावी ढंग से दर्शाया है उन्होंने लिखा है कि गांधी जी ने तो सफाई कर दी देश के शौचालय से देश की आत्मा तक की तो गांधी जी का यह शुद्धि का जो आग्रह था केवल निजी जीवन में नहीं सार्वजनिक जीवन में और हर एक सत्याग्रही के जीवन में तो इससे हमारे स्वातंत्र संग्राम की गरिमा बहुत ही बढ़ गई और ऐसा अभूतपूर्व स्वातंत्र संग्राम हुआ नक्की खूब अद्भुत अस एक अपने फोन कॉल ये तो अपन घे रविन्द्र कुडाकर जलगाव वरुण हेलो नमस्कार।, नमस्कार नमस्कार, नमस्कार। प्रश्न विचार रविन्द्र कुडाकर बोल रहा हूँ जलगाव से मेरे दो सवाल हैं आप बहुत बढ़िया जानकारी हमें दे रहे हैं दोनों ही ज्येष्ठ नागरिक है मुझे पहला सवाल ये पूछना है आपसे कि आपके बचपन की कुछ यादें रहेगी दिन की वो पहली बताइए उसके बाद मुझे ये पूछना है कि जो तत्व नीति मूल्य है राष्ट्र प्रेम की या देश के विकास के लिए तो स्वतंत्रता का अवसर पर आप युवा लोगों को क्या संदेश देंगे कि एक जो तत्व रहते नीति मूल्य रहते हैं युवा पीढ़ी में चाहिए समाज कारण करते राजकारण करते सामान्य नागरिक के लिए धन्यवाद धन्यवाद खर तर युवाओ का ये देश है तरुण असा आपला भारत देश आहे सगळ्यात जास्त तरुण संख्या आहे तर त्यांना संदेश आणि काय लहानपणीची आठवण आठवते नाही आपण सुन के जैसे कि मेरे बचपन के अनुभव तो इतने नाही है जैसा की मेने पहिले कहा कि मेरी पढाई स्वातंत्र्योत्तर हुई लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि हमारे आसपास के वातावरण में गांधी था हमारे वातावरण में जब हम बड़े हो रहे थे तब स्वतंत्र संग्राम के शंखनाद हुआ करते थे और यही बात हमें आगे चलकर भी बड़ी प्रेरणादायक लगी और हमारे जो शिक्षक गण थे उनमें से बहुतों ने स्वतंत्र संग्राम के दिन देखे थे मेरे माता पिता ने भी देखे थे और वे हमेशा कहा करते थे कि खादी पहनना हमारे लिए इस बात का द्योतक है कि हम स्वतंत्र भारत में रहना चाहते हैं जी। और एक बात बताना चाहूँगी मुझे युवा पीढ़ी से बहुत ही आशा है और आज भी जब मैं युवा पीढ़ी को देखती हूँ इस स्वातंत्र की जो अभिव्यक्ति हो रही है उसमें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और लोग अक्सर कहा करते हैं कि अरे आज की युवा पीढ़ी क्या करेगी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी के सामने बहुत सारे आह्वान है जो हमारी पीढ़ी जब युवा थी तब इतने आह्वान नहीं थे तो युवा पीढ़ी इन सब का सामना करते हुए अपने मूल्यों को लेकर समाज को आगे बढ़ा रही है देश को आगे बढ़ा रही है और वह बहुत बड़ी बात है और एक बात कहना चाहूँगी जो गांधी जी ने मगनलाल गांधी को कही थी एक बार मगनलाल गांधी ने पूछा कि बाबू हम क्या करें हम देश को स्वतंत्र बनाना चाहते हैं आप मुझे बताइए मैं क्या करूं गांधी जी ने बड़ी स्वस्थता से उत्तर दिया था पहले अपने स्वतंत्र हो जाओ अपना विकास करो फिर देश का अपने आप कर नक्कीच कर तो या बहुत बडी बात आहे की जो भी यात्रा हम सुरू करे स्वसे आरंभ करे और फिर समाज और राष्ट्र तक ले लार महत्त्वाचं तुम्ही सांगितलं आणि यावेळेस मला सरोजनी नायडूंचे ते विचार पण आठवले त्या म्हणायच्या की जर कुठल्या देशाची स्थिती बघायची असेल तर तिथल्या स्त्रियांची काय स्थिती आहे ती बघा आणि खरोखरच फार महत्त्वाची ही गोष्ट होती आता आपण म्हणालात की ज्या फर्स्ट काँग्रेसचा जो रेडिओ गुप्त रेडिओ उषाताई मेहतात त्या तुम्हाला प्रत्यक्ष भेटलेल्या आहेत त्यांचा अनुभव पण तुम्ही घेतलेला आहे त्यांचे विचार ऐकलेले आहेत किंवा त्या विचारांवर चाललेले आहात तर थोडं त्या आठवणीविषयी नाही आपका प्रश्न ही उचित आहे किंकि गांधीजीने स्पष्ट रूप से कहा था की जब अबला सबला बन जाएगी तब सबसे शक्तिहीन मनुष्य भी अपने आप को सशक्त अनुभव करेगा और यही बात हमारे स्वातंत्र संग्राम में देखी खास करके नमक के सत्याग्रह में जब अवंतिकाबाई गोखले कमला देवी चट्टोपाध्याय हंसा मेहता जैसी महिलाओं ने घर घर में स्वातंत्र संग्राम का संदेश पहुंचा दिया और कमला देवी ने स्पष्ट कहा था कि जिस घर में स्वातंत्र का संदेश पहुंच गया है उस स्वतंत्रता के मार्ग में कौन विदेशी शासन बाधा डाल सकता नकेज, है नकीज नकीज खूब यानी कि घर-घर में जैसे आज हम कहते हैं घर-घर में तिरंगा उस समय था घर-घर में स्वतंत्र संग्राम और आपने उषा बहन मेहता की जो याद दिला दी मेरा यह बहुत बड़ा सौभाग्य रहा मैंने बरसों तक उनके साथ काम किया और उनकी विद्यार्थी भी रही तो वे हमेशा रेडियो की बात कर करती थी लेकिन बहुत सौम्यता थे और हम हमेशा पूछते रहते थे कि उषा बहन आपने और आपके साथियों ने जो कांग्रेस रेडियो चलाया तो उसमें आप क्या करते थे तब वे बड़ी शान से बड़े गौरव के साथ कहती थी कि हम अनाउंस करते थे दिस इज़ कांग्रेस रेडियो ऑन 42.34 मीटर्स स्पीकिंग फ्रॉम समवेयर इन इंडिया और देखिए 1942 के अगस्त क्रांति के बाद इनका रेडियो शुरू हुआ जब उन्होंने गांधी जी का डू और डाय संदेश सुना तो इनके और इनके साथियों के मन में यह योजना आई कि हमें देश में जो हो रहा है उसका उसके समाचार लोगों तक पहुंचाने चाहिए और ये काम वे तीन महीने तक कर पाए और यह एक सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसके कारण उषाबेन और उनके साथियों पर मुकदमा चला बाबूभाई खखर विठल भाई झवेरी नानक भाई मोटवानी और चंद्रकांत भाई मेहता और उषाबेन को तो चार साल की सजा भी हुई आता एकोस एकतीस बत्तीस एक आठवण अ अपने मुंबई से जोड़ी गेले है मणिभवनशी कॉन्फरन्स राउंड टेबल कॉन्फरेंसा फेल पहाटे गांधी अटक करने जी तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो गांधी जी गए और यह जनता का आदेश था कांग्रेस का भी निर्णय था लेकिन गांधी जी को ज़्यादा उम्मीद नहीं थी तो वह अगस्त 1931 में गए और दिसंबर के अंत में वापस आए और तभी निराश होकर ही वापस आए लेकिन मुंबई शहर में बहुत उत्साह था और घर घर को सजाया गया था लेकिन गांधी जी जानते थे कि अभी कैद में जाना तो तय है और इसीलिए उन्होंने इस बात की सब तैयारी भी कर ली अपने साथियों को सब इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए गुरुदेव टागोर को तो एक सुंदर पत्र भी लिखा उसकी कॉपी आज भी मणि भवन में है और तब चार जनवरी 1932 को सुबह तीन बजे पुलिस कमिश्नर विल्सन आए और गांधी जी को कैद करने के लिए और तब सिर्फ उनका स्पर्श करके जताया कि अभी आपको गिरफ्तार किया जाता है और गांधी जी के सामान में क्या था दो बोतल hmm. एक सोने के लिए चटाई hmm. और पानी बस गांधी जी तैयार जेल के लिए hmm. प्रार्थना की और जेल चले जी hmm. स्वातंत्र्याचा अखेरचा लढा सुरू झाला चले जाव ऑगस्ट क्रांती आंदोलन आपण म्हणू शकतो आणि बस आता खूप झालं सहनशीलतेचा त्या ठिकाणी अंत होत होता तरी पण प्रेमानं सगळं सुरू होतं सत्याग्रहावरच एक पूर्ण त्या एका शब्दावरच स्वातंत्र्याची पूर्ण आपली नेव उभी आहे तर त्याविषयी काय सांगाल उन्नीस को बयालीस की लढत के में जी मैं अगर अरुणा असफली के शब्दों का प्रयोग करू तो उन्होंने कहा था कि यह प्रजा के आक्रोश का ज्वालामुखी या विस्फोट है क्योंकि प्रजा के अंतर में इतना रोष था आक्रोश था विदेशी शासक के अत्याचार के प्रति और आज़ादी के लिए एक अदम्य इच्छा थी तो उसी का यह प्रकटीकरण था और जन जन में यह बात फैल गई और उषाबेन मेहता हमेशा कहते थे कि इट वॉज़ ए स्पॉन्टेनियस एजुटेशन इट वॉज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट और गांधी जी ने 8 अगस्त को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में जो कि आज अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है कहा था कि मैं एक मंत्र देता हूँ और आप में से हर एक इसको हृदय पर अंकित कर लीजिए और आपके सांस की हर एक सांस इसकी अभिव्यक्ति करे और वो मंत्र है डू और डाय या तो देश को स्वतंत्र करो या फिर इसी प्रयत्न में मर मीटो नक्की स्वतंत्र प्राप्ति नंतर से जो उपलब्धि है तीप खरतर संगी है योगी जी तो मेरी माँ हमेशा कहती थी अस्सी साल पहले की बात है हुँ. कि तब तो महिलाएं घर के अंदर ही रहती थी कभी लेकिन गांधी जी ने ऐसा कोई चमत्कार किया कि कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिला कर, हर महिला रास्ते पर आई उन्होंने स्वतंत्र की लड़त में भाग दिया और एक समानता के नाते पर और तभी वो कहती भी थी कि जब आखिर आखिर में कि जब हम लोग आज़ाद हुए तो लोग कहते थे कि ये गरीब देश है ज़्यादातर लोग अनपढ़ है उनका ये स्वतंत्र कैसे टिकेगा ये लोग अपनी लोकशाही कैसे चला पाएंगे लेकिन आज हम देखते हैं कि पचहत्तर साल के बाद जब हम आजाद हुए तब लोग ऐसे शंका से देखते थे तो आज हम एक वर्ल्ड पावर विश्व शक्ति बन गए हैं तो उसका कारण ये भी है कि जब अब आजाद हुए तो गरीबी के कारण और हमारी जो गुलामी रही उसके कारण हम बहुत ही पिछड़े हुए थे हरेक इंडिकेशन में और जब आज आज देखते हैं तो हर एक क्षेत्र में भारत का युवा और युवती दोनों एकदम आगे हैं हम इसका गर्व ले सकते हैं कि इतने पचहत्तर साल के अंदर हमने इतने बहुत प्रगति की है खरच अभिमान है कि अपने पंचहत्तर वर्षा चा प्रवासा ज्या ज्या पद्धति ने भारत गोष्टी का कार्यक्रम संपत आ जाता जता दे मैं तो ये कहूंगा कि युवा वर्ग जो है उसकी जिम्मेदारी है और मुझे तो उनके पर बहुत आशा है क्योंकि हर एक क्षेत्र में जहाँ जहाँ अपने लोगों ने योगदान दिया है वहाँ वो पूरे शान से आगे आ गए हैं और यही अगर एक हमारा चालू रहा रवैया तो मुझे तो लगता है कि हम बहुत ही जल्द एक सच में ही एक विश्व के तौर पे बहुत बड़े ये बन जाएंगे और अपने युवा हमें आगे ले जाएंगे ये बहुत बड़ी चीज है खरो खर झनकार जनों बाहर ये अपन का देखिए आज़ादी का यह जो दीपक जला है इसने जो प्रकाश दिया है यही प्रकाश हमें निरंतर मिलता रहे और हमारा देश आगे बढ़ता रहे और हमें कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर काम करने की प्रेरणा देता रहे यही हमारी आशा है नक्की अपन दुख ही याठिका आला खूब छान पद्धति ने एकूण स्वातंत्र्याच्या पूर्वीची इतिहासातली पानं मधल्या काळातली पानं आपण उलटली खूप छान वाटलं आणि खरोखरच आपण भारतीय आहोत याचा आपण सगळ्यांना खूप मनापासून अभिमान आहे पुन्हा एकदा स्वातंत्र्य दिनाच्या आपण सगळ्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा आपण इथे आलात त्याबद्दल आपले धन्यवाद आभार जय हिंद जय हिंद जय